सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। लीडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाए, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज, मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। बिहार के रोहतास में बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के नतीजे घोषित होने के बाद डेहरी डालमिया नगर परिषद के चुनाव के मतों की मतगणना के बाद शशि कुमारी ने जीत का परचम लहराया है। शशि कुमारी ने मुख्य पार्षद के पद पर अपनी जीत का परचम लहराया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ज्योति कुमारी को कड़ी शिकस्त दी। दूसरी तरफ उप मुख्य पार्षद के पद पर रानी कुमारी विजेता हुई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेबा और रुखसार को कड़ी पटकनी दी। मतगणना के बाद जिला मुख्यालय सासाराम के तकिया बाजार समिति के प्रांगण में डेहरी की एसडीएम चंद्रिमा अत्री ने दोनों विजेता उम्मीदवारों को प्रशस्ति पत्र देकर औपचारिक रूप से विजयी घोषित किया। डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद चुनाव 2022 की जीत की घोषणा होते ही मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। काफी संख्या में जुटे समर्थकों ने दोनों विजयी उम्मीदवारों को फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद बैंड बाजे की धुन पर जमकर डांस करते हुए विजय जुलूस भी निकाला। मुख्य पार्षद शशि कुमारी ने बताया कि जीत का सारा श्रेय डेहरी नगर परिषद क्षेत्र की जनता को ही है, जिस कारण मुझे विजय हासिल हुई है। डेहरी नगर परिषद क्षेत्र की जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें जिताया है। जिस तरह से खासकर महिलाओं का हमें समर्थन मिला है वह बड़ी बात है। क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। अधूरे पड़े कार्यों को चौमुखी विकास पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगी। डेहरी के मुख्य पार्षद पद पर विजयी उम्मीदवार शशि कुमारी को 14,150 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रही ज्योति कुमारी को मात्र 11,199 मत मिले। इस प्रकार शशि कुमारी 2,951 मतों के अंतर से मुख्य पार्षद पर अपनी जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर डेहरी नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के पद पर रानी कुमारी को 13,994 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर जेबा रुखसार को मात्र 8,756 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार 5,238 मतों के अंतर से रानी कुमारी उप मुख्य पार्षद पर अपनी जीत हासिल की।